बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आप लोगों ने कि झाड़ू जो है, झाड़ू में छिपा हुआ है आपकी करोड़पति बनने का राज। अब समझिए कैसे। देखिए वास्तु शास्त्र जो है, वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु को सही तरीके से रखने का तरीका बताया गया है और वास्तु शास्त्र में झाड़ू को विशेष महत्व दिया गया है। अब झाड़ू जो है इतना इसको महत्व दिया गया है और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो लोग दीपावली जैसे शुभ अवसर पर झाड़ू खरीदते हैं और झाड़ू की पूजा भी करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आप भी गरीब से अमीर हो जाए अर्थात फकीर से करोड़पति बन जाए तो झाड़ू से जुड़े नियमों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए झाड़ू से जुड़े कुछ आपको ऐसे नियम बतलाएंगे, अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है और आप भी धीरे धीरे दोस्तों एक फकीर से अमीर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि झाड़ू से जुड़े आखिर ये नियम है क्या। देखिए दोस्तों वास्तु शास्त्र जो है, वास्तु शास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि झाड़ू जो है, झाड़ू का आखिर इस्तेमाल कैसे करना है और झाड़ू जो है किस दिन खरीदना है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को जब मन आया, जब जरूरत हुआ जाके हम लोग झाड़ू खरीद के ले आते हैं, जैसे तैसे घर में झाड़ू लगा के झाड़ू को फेंक देते हैं। लेकिन ये एकदम गलत है, इससे हमारे घर में दरिद्रता बनी रहती है क्योंकि हम नियम का पालन ही नहीं करते। तो समझिए कि झाड़ू आखिर खरीदना कब है। तो दोस्तों अगर आपको नया झाड़ू खरीदना है तो नया झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन होता है दोस्तों शनिवार। शनिवार कृष्ण पक्ष के दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो समझिए कि झाड़ू के रूप में साक्षात आप मां लक्ष्मी को अपने घर में लेकर चले आते हैं। देखिए दोस्तों झाड़ू जो है, झाड़ू को हम मां लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और अगर गलती से झाड़ू में पैर लग जाएगा तो आप उसे माफी मांग लीजिए, लेकिन आप जानबूझकर पैर लगा के झाड़ू को साइड कर रहे हैं, इधर उधर हटा रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी, तो इसीलिए कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों अब झाड़ू जो है, झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं और घर की सफाई करने के बाद याद रखिएगा झाड़ू रखने का एक स्थान भी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू लगाकर या घर में पोछा मारकर पोछा या झाड़ू को अपने घर के किचन में रख देते हैं। कभी भी भूल से झाड़ू को घर के किचन में नहीं रखना चाहिए या फिर आप पोछा लगाकर पोछा को भी घर के किचन में नहीं रखना चाहिए। देखिए क्यों नहीं रखना चाहिए समझिए। झाड़ू जो होता है, झाड़ू से हम घर की गंदगी को साफ करते हैं, पोछा भी वही काम करता है। अगर आप इनको किचन में रख देते हैं तो इनमें गंदगी होता है, वो गंदगी आपके खाना पीना में जाएगा, उसको आप खाइएगा तो बीमार पड़ जाएगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भूल से कभी भी झाड़ू को घर के किचन में न रखें। अब देखिए दोस्तों मेरे हाथ में एक झाड़ू है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को लगाने के बाद में झाड़ू को ऐसे खड़ा करके कोना में अपनी सुविधा के लिए रख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को ऐसे रख देते हैं। तो झाड़ू को रखने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप झाड़ू रखें तो याद रखिएगा कि झाड़ू को ऐसे सुला कर रखना है, कभी भी झाड़ू को ऐसे खड़ा करके या फिर ऐसे खड़ा करके उल्टा करके नहीं रखा जाता है। अगर आप झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं या फिर ऐसे उल्टा करके रखते हैं तो याद रखिएगा कि आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता महालक्ष्मी का प्रवेश हो तो हमेशा झाड़ू को इस मुद्रा में ऐसे जमीन पर सुला के ही रखिएगा। अब समझिए दोस्तों झाड़ू जो होता है ये हमारे घर का लक्ष्मी का प्रतीक है। तो जिस तरह से आप अपने घर में धन संपत्ति को छिपा कर रखते हैं उसी तरह से झाड़ू जो है
इसको भी आप छिपा कर रखिए, कभी भी झाड़ू को सामने मत रखिए। सामने रखने से क्या होगा कि बाहर के लोग आएंगे और उनका नजर झाड़ू पर पड़ेगा। आप चाहेंगे कि आपके घर में रखा हुआ धन संपत्ति बाहर के लोग देखें, आप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। ठीक इसी तरह से झाड़ू भी आपका धन संपत्ति का प्रतीक है, इसको कभी भी सामने ना रखे, घर के बाहर ना रखे, आने जाने वालों का कभी नजर ना पड़े, हमेशा इसको छिपाकर रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ू लगाकर झाड़ू को अलमारी के पीछे रख देते हैं या फिर तिजोरी के पीछे खड़ा कर देते हैं, ऐसा एकदम ना करें। याद रखिएगा कि कभी भी झाड़ू को जहां हम धन संपत्ति जिस अलमारी में रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं उसके नीचे या उसके पीछे छिपा के नहीं रखा जाता है। इसका एक अपना स्थान होता है, उस स्थान पर झाड़ू को आप आराम से इस मुद्रा में सुला कर रखें, तभी माता महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और सदा माता महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आप देखिएगा कि आपके जीवन में गजब का परिवर्तन होगा और धीरे धीरे आप भी गरीब से अमीर और अगर अमीर है तो अमीर से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि कुछ लोगों के घर में झाड़ू होता है लेकिन वो झाड़ू पुराना हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो याद रखिएगा, टूटा फूटा या पुराना झाड़ू से घर का सफाई नहीं किया जाता है। टूटा फूटा या पुराना झाड़ू से अगर आप घर का सफाई करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता और रोग ये सब हमेशा देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई रोगी ना रहे, सब स्वस्थ रहे और दरिद्रता जो है एकदम खत्म हो जाए, तो इसके लिए आप टूटा फूटा झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करिएगा। झाड़ू अगर टूट गया फूट गया तो उसको रिटायर करिए, उसकी जगह में नया झाड़ू लेकर आइए। और नया झाड़ू कब खरीदना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।